लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। वन महोत्सव कार्यक्रम के आयोजन के समारोह में सिटी मॉन्टेसरी स्कूल के संस्थापक प्रबंधक वरिष्ठ समाज सेवी डॉक्टर जगदीश गांधी जी, संस्थान के संस्थापक निदेशक डॉक्टर श्रीमती भारती गांधी जी, उत्तर प्रदेश सरकार के अपर मुख्य सचिव गृह श्री अवनीश कुमार अवस्थी जी, अपर मुख्य सचिव सूचना और एमएसएमई श्री नवनीत सहगल जी, संस्था के सीनियर प्रिंसिपल और संस्थान से जुड़े हुए सभी प्राध्यापकगण, उपस्थित भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले आप सबको वन महोत्सव कार्यक्रम के इस आयोजन अवसर पर प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से बधाई देता हूं। वन महोत्सव का यह कार्यक्रम हमारे लिए केवल एक वृक्ष लगाने तक सीमित नहीं बल्कि प्रकृति और पर्यावरण के प्रति हम सबके दायित्व को बताने वाला एक अवसर भी है। प्रकृति और पर्यावरण में समन्वय और संतुलन कितना महत्वपूर्ण है, इसका अनुमान हम सब वर्तमान में लगा सकते हैं। जब पूरी दुनिया विगत सवा वर्ष से कोरोना महामारी से जूझ रही है, आपने इस बात को देखा होगा, प्रकृति और पर्यावरण के जितने अधिक सानिध्य में हम सब रहते हैं, विभिन्न प्रकार के रोगों से लड़ने की उतनी बड़ी क्षमता हमारे पास रहती है। जब भी हमने अपने स्वयं के स्वार्थ के लिए प्रकृति के विपरीत आचरण किया और पर्यावरण के साथ खिलवाड़ किया, तो उसके दुष्परिणाम भी पूरी जीव सृष्टि को भुगतना पड़ा। और चूंकि मनुष्य इस जीव सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी माना गया है, इसलिए सर्वाधिक वह इसकी चपेट में भी आया है। कोरोना महामारी पूरी दुनिया को वर्तमान में बुरी तरह प्रभावित किया है। आज डॉक्टर्स डे भी है। कोरोना महामारी के दौरान हमारे चिकित्सकों ने जिस प्रतिबद्धता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ मानवता की सेवा की है, वह अपने आप में एक उदाहरण है। और इसलिए मैं इस अवसर पर सभी चिकित्सकों को भी डॉक्टर्स डे की हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। उत्तर प्रदेश में सरकार आने के तत्काल बाद केवल हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े कार्य ही नहीं करेंगे, बल्कि लोक कल्याणकारी उस अभियान के साथ भी जुड़ेंगे, जिसमें समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति तक शासन की योजनाओं का लाभ पहुंच सके। सरकार ने हर एक फील्ड में काम करने का प्रयास किया, लेकिन साथ साथ हम सब
प्रकृति और पर्यावरण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता से भाग नहीं सकते, और इसीलिए सरकार ने उस समय निर्णय लिया 2017 में ही कि प्रतिवर्ष हम लोग वृक्षारोपण के एक निश्चित अभियान को आगे बढ़ाएंगे। मुझे प्रसन्नता है कि पहले वर्ष 2017 में 5 करोड़ वृक्षारोपण का लक्ष्य हमारे सामने था, उसे हमने पूरा किया। दूसरे वर्ष 2018 में 11 करोड़ वृक्षारोपण के लक्ष्य को हम लोगों ने प्राप्त किया। 2019 में हमारे सामने लक्ष्य था कि हम लोग उत्तर प्रदेश की आबादी के बराबर वृक्षारोपण कर सकें, क्या हम 22 करोड़ वृक्षारोपण कर पाएंगे? और मैं अभिनंदन करूंगा प्रदेशवासियों का, विभिन्न संस्थाओं का, जिन्होंने 22 करोड़ से अधिक वृक्षारोपण के लक्ष्य को 2019 में पूरा किया। विगत वर्ष हमारे सामने एक चैलेंज था, कोरोना महामारी से दुनिया जूझ रही थी, क्या हम वृक्षारोपण के इस लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे? हम लोगों ने लक्ष्य निर्धारित किया और वन विभाग समेत उत्तर प्रदेश शासन के सभी विभाग, सभी संस्थाओं ने मिलकर के जन सामान्य के साथ सहयोग से हमने विगत वर्ष कोरोना महामारी के बावजूद एक दिन में 25 करोड़ से अधिक वृक्ष पूरे प्रदेश के अंदर लगाए। इस वर्ष हम लोगों ने 4 जुलाई को 25 करोड़ वृक्ष एक ही दिन लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है, लेकिन इस पूरे महोत्सव के दौरान हम वृक्षारोपण के लक्ष्य को 30 करोड़ तक पहुंचाएंगे 1 से लेकर 7 जुलाई के बीच में। और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए न केवल वन विभाग बल्कि उत्तर प्रदेश शासन के जितने भी अन्य विभाग हैं, ग्राम्य विकास, पंचायती राज, लोक निर्माण विभाग, शिक्षा विभाग, वे सभी विभाग एक साथ मिलकर के इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अहर्निश प्रयास कर रहे हैं, कुछ नए अनुभव लिए जा रहे हैं। 100 वर्ष से ज्यादा उम्र के जितने भी वृक्ष उत्तर प्रदेश के अंदर मौजूद हैं, उन्हें हेरिटेज वृक्ष के रूप में संरक्षित करने के एक अभियान भी चल रहा है। गंगा के तटवर्ती क्षेत्रों में गंगा उद्यान लगाने की कार्रवाई चल रही है। एक्सप्रेस हाईवे को इस बार हम लोग वृक्षारोपण के अभियान के साथ जोड़ने जा रहे हैं। राम वनगमन मार्ग को या राम जानकी मार्ग को भी वृक्षारोपण से आच्छादित करने की कार्रवाई चल रही है, एक निरंतर अभियान। और केवल ये वृक्ष लगाना ही नहीं, बल्कि लगाने के बाद कितना सुरक्षित है, इसके लिए थर्ड पार्टी ऑडिट करवाने की व्यवस्था भी। हम लोगों ने वन विभाग से कहा कि हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम जितने भी वृक्ष लगाएं उसमें 75 से 80% वृक्षों को हम लोग, पौधों को हम लोग जियो टैगिंग के साथ जोड़े, पता लगे एक साथ हम अपने टैबलेट में या अपने स्मार्टफोन में देख सकें कि हमने जो वृक्ष लगाया वो सुरक्षित है या नहीं है, क्या स्थिति है, सुरक्षा का भी पुख्ता इंतजाम करना। और मुझे प्रसन्नता है कि सीएमएस ने यहां पर आज इस वन महोत्सव के कार्यक्रम का शुभारंभ किया, और पीपल का पवित्र पौधा, हम सब जानते हैं पीपल भारतीय परंपरा में पहले भी बहुत पवित्र माना जाता रहा है, भगवान विष्णु का प्रतिनिधित्व करता हुआ दिखाई देता है। महात्मा बुद्ध को इसी वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था, यह बौद्ध वृक्ष भी इसलिए कहलाया, ज्ञान प्राप्ति का जो माध्यम बने। अनेक प्रयास हुए हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, उत्तर प्रदेश ने जो लक्ष्य प्राप्त किए, हम लोगों ने फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट और अन्य तमाम संस्थाओं से जब प्रदेश के अंदर विगत 4 वर्षों के दौरान वृक्षारोपण के इस कार्यक्रम को कैसे हम लोगों ने आगे बढ़ाया और इसके परिणाम क्या हैं, कितने जीवित हैं, मुझे प्रसन्नता है कि 75 से लेकर 90% तक वृक्षारोपण के कार्यक्रम के उपरांत लगाए गए वृक्ष और पौधे पूरी तरह सुरक्षित हैं, और बहुत अच्छे अच्छे वाटिकाएं और बहुत सारी जगह बहुत अच्छे पेड़ आज हमको वहां पर उगे हुए दिखाई देते हैं।
आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। वन का आच्छादन इससे बढ़ा है। उस लक्ष्य को निरंतर प्राप्त करने की दिशा में हम लोगों के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं और आज ये वन महोत्सव का कार्यक्रम यहाँ पर पीपल के पवित्र पौधे को रोपण करने के बाद यहाँ पर आज शुरू हुआ है। मैं आप सबसे अपील करूँगा, 4 जुलाई रविवार का दिन पूरे प्रदेश के अंदर कोरोना महामारी से बचाव के लिए जो निर्धारित प्रोटोकॉल है उसका पालन करते हुए हम वृक्षारोपण महाअभियान के साथ जुड़े हैं। एक एक पौधा हम लगवाएं। हम लोगों ने हर एक गांव में भी लक्ष्य निर्धारित किया है, हर गांव में एक लक्ष्य, और वह लक्ष्य है कि कोरोना महामारी के कारण जिन लोगों ने अपनों को खोया है उनकी स्मृति में भी एक पौधा हम उस गांव में लगवाने का कार्य करेंगे। स्मृति वन के रूप में ग्राम पंचायत के स्तर पर उत्तर प्रदेश सरकार 30 करोड़ पौधा मुफ्त में उपलब्ध कराने के लक्ष्य के साथ इस बृहद अभियान के साथ सभी प्रदेशवासियों को जोड़ना चाहती है। और मैं धन्यवाद दूंगा कि सीएमएस ने और डॉक्टर जगदीश गांधी जी ने इस कार्यक्रम के लिए पहले दिन का समय यहाँ पर सीएमएस के लिए उपलब्ध करवाया। सीएमएस में आज मुझे आने का अवसर प्राप्त हुआ। विगत 1.5 वर्षों से हम लोगों को आने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ था क्योंकि लगातार कोरोना महामारी से जूझ रही मानवता को बचाने के लिए हम लोगों को प्रयास करना पड़ा था। एक साथ लोगों का जमावड़ा नहीं हो पा रहा है, समस्याएं हो रही हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और कोरोना प्रोटोकॉल को लागू करने के साथ ही जो एक सामुदायिक भाव होता है समाज के अंदर, कोरोना ने उसको छिन्न भिन्न किया है। लेकिन गांधी जी ने यहां पर साहस दिखाया। वे आए, वे परसों आए थे मेरे पास और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज भी वह अपने सामाजिक प्रतिबद्धताओं के लिए जिस तत्परता के साथ कार्य करते हैं, मैंने उनको बताया, मैंने कहा रिपब्लिक डे के परेड के दौरान जब सीएमएस की झांकी निकली, एक विद्यालय गया, दूसरा गया, तीसरा गया, चौथा गया, तो मैंने अपने उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी से पूछा, मैंने कहा जगदीश गांधी जी नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो जगदीश गांधी जी से पहले श्रीमती भारती गांधी जी दिखाई दे। उन्होंने कहा नहीं देखे आ रहे होंगे, लेकिन जैसे ही हम लोगों ने भारती गांधी जी को देखा तो मैं मान लिया कि अब दोनों लोग पीछे से उछल कूद करके आ रहे होंगे और आप देख रहे होंगे श्रीमती गांधी की उम्र 87 साल है लेकिन किसी भी युवा से कम नहीं दौड़ती है अभी भी। स्फूर्ति देखिए, यही तो योग है, यही अध्यात्म है। निश्चल भाव के साथ की गई उनकी सेवाएं हैं। और डॉक्टर जगदीश गांधी जी 86 वर्ष के हैं और 86 वर्ष के इस उम्र में भी वह जिस तत्परता के साथ अपनी समाज सेवाओं को आगे बढ़ा रहे हैं अभिनंदनीय है। मैं इन दोनों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश की राजधानी लखनऊ में उन्होंने जो प्रयास किया, हर सामाजिक गतिविधि में, हर उस अभियान में जिसके पीछे लोक कल्याण का भाव निहित हो, शिक्षा अपने आप में एक पवित्र भाव है, शिक्षा प्रदान करना अपने आप में एक पवित्र भाव है, लेकिन उस पवित्र भाव के साथ साथ हर लोक कल्याणकारी और समाज कल्याण के उस अभियान के साथ, जन कल्याणकारी भाव के साथ उनके द्वारा जो प्रयास प्रारंभ किया जा रहा है वह अभिनंदनीय है। मैं इस अवसर पर उनके स्वस्थ और दीर्घ जीवन की कामना करता हूँ। वन महोत्सव के लिए आप सबका आह्वान करता हूँ, पूरे महोत्सव में 7 दिनों तक चलने वाले बृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम के साथ आप सब जुड़ेंगे, इस विश्वास के साथ आप सब के प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।